तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मार्केट जबरदस्त गिरा। मार्केट ने जबरदस्त ऐसी वन साइड रैली दी है डाउनसाइड की तरफ, तो मार्केट ने आज जबरदस्त मुंह किया। तो वो मार्केट आज क्यों गिरा, क्यों इतना बड़ा क्रैश मार्केट में आया, क्या इसके पीछे बड़ा कारण है? हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको आगे आने वाले के दिन में कैसा ट्रेड करना है उसका भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा। तो मार्केट गिरने के पीछे आज मैं आपको 2 वजह बता दूंगा। तो पहले और सबसे इम्पोर्टेंट वजह है बजट। जो जी हाँ दोस्तों, एक आने वाले 1 तारीख को, 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है। मतलब इंडिया का आर्थिक बजट आने वाला है। मतलब बजट एक हर साल 1 फरवरी को बजट दे देता है। उस दिन मार्केट में, मतलब उसके पहले मार्केट थोड़ा गिरता है, क्योंकि बजट के दिन कौन सी न्यूज़ आएगी, बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी है या आईटी सेक्टर के लिए अच्छी है, कोई जान नहीं सकता। इसलिए मार्केट में थोड़ी अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग इसी तरह हो गई तो बजट के दिन आने वाले दिन में एक बड़ी उछाल की संभावना है। मतलब मार्केट एक अच्छी खासी रैली बजट के दिन दे सकता है। तो हम बजट के दिन भी एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी ऐसा बनाएंगे कि आपको उसमें लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी के देखने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहना। तो बजट आने वाले 1 तारीख को बजट है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट वजह है कि आपको पता होगा, आपने अगर न्यूज देखी होगी तो पता चला होगा कि अदानी स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके वजह से भी मार्केट में थोड़ा नेगेटिवनेस बढ़ा है। क्योंकि एक हिडनबर्ग रिसर्च ने ऐसा कहा है कि अदानी स्टॉक जो अपने 7वें आसमान पर है, मतलब अदानी स्टॉक आपने अगर देखा होगा उनके 7 कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, उनका स्टॉक है जो मार्केट हमारा निफ्टी डाउनसाइड में है, लेकिन उनका स्टॉक देखिए, उनका स्टॉक का ट्रेंड अभी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक स्टॉक इतने ज्यादा तरीके से इतना भाग क्यों सकता है? इन पर हिडनबर्ग ने एक रिसर्च किया है, उन्होंने ऐसा कहा है कि इनमें एक मैनिपुलेशन हो रखा है मार्केट में। तो आपने भी अगर अदानी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने जिस लेवल पर बाय किया था उस लेवल पर अपने स्टॉक को बेच दो, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। जब तक हिडनबर्ग का एनालिसिस, उनका रिसर्च, उनको सबूत ऐसे मिले है कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन है, मतलब ये कभी भी डाउनसाइड की तरफ अपनी मूवमेंट कर सकता है। आपको भी अगर अदानी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो जरा संभल के इन्वेस्ट करना, थोड़ा रिसर्च कीजिए मार्केट में कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि लगभग उनके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मतलब उनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा होकर भी उनके स्टॉक 7वें आसमान पर है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये मैनिपुलेशन का खेल है ऐसा उनका कहना है। आप अगर अदानी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या आपने भी अदानी स्टॉक में बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है तो अपने पैसों को थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर इन्वेस्ट करना। आपने अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो आप निकल जाओ, क्योंकि आज स्टॉक 7% गिरा है। उनके सारे स्टॉक जो है लगभग 5-6% आज उनके स्टॉक गिरे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है मार्केट गिरने से। तो मार्केट आज बहुत गिरा तो जरूर, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक किया है। हमने आज प्रॉफिट कमाया लगभग 20,000 का। मैंने इतना उतार चढ़ाव का ट्रेडिंग सेशन आज तक कभी नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पहला ट्रेड लिया तो मैंने उसमें किया था 5,000 प्रॉफिट बुक, 5,000। जब मैंने दूसरा ट्रेड किया तो उसमें लॉस हो गया, मैंने 2,000 लॉस किया। फिर जब मैंने तीसरा ट्रेड लिया तो उसमें मैंने फिर से लगभग 15,000 तक आ गया मेरा प्रॉफिट। और जब मैंने चौथा ट्रेड किया तो वो 15,000 का मेरा 20,000 तक पहुंच गया। लेकिन मार्केट गिरते ही जा रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो अपने सपोर्ट लेवल पर एक्यूरेट बैठ रहा था। वहां पर मेरा स्टॉप लॉस भी कम था और मार्केट के डाउनसाइड की मूवमेंट भी ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने उस टाइम एक कॉल लिया था। फिर लगभग मैंने 4 या 5 लॉट उसमें बाय किए थे कॉल के, लेकिन मार्केट में सेलिंग इतनी बुरी तरीके से आ गई, पैनिक सेलिंग हो गई कि वो सपोर्ट भी टूट गया और मेरा फिर से नुकसान हो गया 10,000 का। मेरा प्रॉफिट जो 20,000 था वो फिर से 10,000 पर गया, मतलब मुझे 10,000 का नुकसान हो गया। फिर 10,000 का नुकसान देखते हुए मुझे लगा कि मार्केट अभी ज़्यादा ही सेलिंग दे रहा है। अभी मार्केट मुझे लगा अपना जो मेन सपोर्ट है वो तोड़कर भी बहुत नीचे चला गया, यहाँ से अब सेलिंग पक्की है। फिर से मैंने डाउनसाइड की पोजीशन मतलब पी बाय किया, फिर से मेरा नुकसान हो गया उस ट्रेड में 8,000, मतलब लगभग मैं 2,000 पर आ गया। मतलब आप देख सकते हो मेरा एक टाइम पर प्रॉफिट था 20,000, और जब मैंने अपना वो मतलब मैं सोच वो सपोर्ट जब तोड़ा, मेरा जो एनालिसिस था वो सपोर्ट जब तोड़ा तो मेरा एनालिसिस गलत बैठा और मैं फिर से नुकसान में आ गया। मैं 20,000 से सीधा 2,000 तक आ गया दो ही ट्रेड में, और ट्रेडिंग का कुछ आधा ही घंटा बचा था, फिर से मैंने वो 2,000 को 20,000 तक पहुँचाया। तो मैं आज काफ़ी लकी रहा हूँ,
क्योंकि मैंने एक ऐसी राइट एंट्री ली थी, कि मार्केट कंसोलिडेट होके एकदम राइट पोजीशन पर अपने रेजिस्टेंस तक आ गया था। मैंने वहां से फिर से एक डाउनसाइड के मूवमेंट को पकड़ा और फिर से मैं मार्केट ने 200-300 पर की लगभग 200-150 पर की मूवमेंट कैप्चर की, फिर से उसने मैंने 10,000 का प्रॉफिट किया। वो डाउनसाइड मूवमेंट जब आ गया फिर से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया। जब मैं कंसोलिडेशन फेज में चला गया मार्केट की मूवमेंट का अंदाजा होते हैं, मुझे लगा कि नहीं मार्केट ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी मूवमेंट ऊपर की साइड कम थी नीचे की साइड ज्यादा थी, इसलिए मैंने फिर से डाउनसाइड का मूवमेंट पकड़ा। फिर से मार्केट ने 200-150 पॉइंट की मूवमेंट दी, उसमें मैंने फिर से 8-9,000 लगभग 9,000 कुछ तो कमाए। ऐसे करते हुए मैंने 2,000 का लगभग आज मैंने 20,000 प्रॉफिट किया। तो दोस्तों आपको अपने ट्रेड को अपने एनालिस्ट को मार्केट में जज करते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि आप एक बार अपने साइकोलॉजिकल लेवल भटक गए ना तो आपको जितना भी प्रॉफिट हो जाए आप लॉस में ही रहोगे। क्योंकि मेरा एनालिसिस सही बैठा इसलिए मैंने 20,000 से 2,000 तक आ गया, फिर से 2,000 से मैंने 20,000 तक का सफर तय किया, मतलब 20,000 मेरा प्रॉफिट आज हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मार्केट गिरने की वजह थी मैंने आपको बता दी कि एक तो आधार स्टॉक और दूसरा है बजट। बजट के दिन मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप उस टाइम एक स्ट्रैटेजी बना के अपना लॉस को मिनिमम कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हो। मतलब आपका लॉस होगा तो 4-5,000 लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, मतलब 1,00,000-1,50,000-2,00,000 कितना भी हो सकता है, मार्केट की मूवमेंट पर वो डिपेंड है। आप अगर अपना कैपिटल जितना चाहे आप यूज कर सकते हो, 50,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 1,00,000 से 2,00,000 से अपना जितना चाहे, अपने रिस्क के ऊपर है। इसमें रिस्क नहीं है, इसमें थोड़ा रिस्क है लेकिन रिस्क के मुकाबले प्रॉफिट दुगना तिगना है, तो समझ गए आप। तो आप अगर मार्केट में आगे आने वाले कुछ दिन मार्केट में कॉल पोजीशन बनाना चाहते हो तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की संभावना यहाँ पर जाता है। क्योंकि जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक मार्केट एक डाउनसाइड के मूवमेंट करेगा, और जब आपका बजट आएगा तब आप न्यूज के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि कौन से सेक्टर के लिए कौन सी न्यूज अच्छी होती है वो उस दिन पता चलेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई न्यूज अच्छी हो तो उस दिन बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त मूवमेंट आ सकता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हम वो स्ट्रेटेजी अपने वीडियो पर आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।